कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं अभिनव तोषांशु पांडे और अभिक्षा की पूरी टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं परीक्षाओं की तैयारी और परीक्षाओं में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मोमेंट होता है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पल आपकी ज़िंदगी में आता है, वह स्वयं परीक्षा ही है। इसका मतलब ये है कि जिस दिन हम जो है प्रवेश पत्र प्राप्त करने के बाद में परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं, उस समय में हम लोगों को जो चीज़ें दिखाई देती हैं और जिस तरीके की हमको अनुभूति होती है, वह यदि हमारे लिए नया एहसास हो तो कई कई बार उस एहसास के साथ में एडजस्टमेंट ना होने के कारण भी आपकी परीक्षाएं बिगड़ सकती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा पत्र जब आपके हाथ में आएगा तो आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेंगी। इससे पहले जो है हम भाई प्रश्न पत्र जो है आपके हाथ में, उसको खोलने के लिए आपको समय मिलता है, उससे पहले ही आपके पास में एक उत्तर पुस्तिका होती है जिसका पहला पेज होता है, उसमें क्या क्या जानकारियां दी जानी चाहिए, कौन कौन से तरीके से जो है आप आगे उसमें जो है बढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम चर्चा कर चुके हैं। अब आपके हाथ में आया प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र में जो है क्या क्या विशेष जानकारियां हैं, उनको जो है कैसे समझा जाए, उनसे आगे कैसे बढ़ा जाए, किस तरीके से प्रश्न पत्र को पहली बार पढ़ने पर आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, इन विषयों पर हम जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए, थोड़ी देर के लिए सोचने की कोशिश कीजिए कि आप परीक्षा हॉल में ही बैठे हुए हैं और वहाँ पर जो है आपके हाथ में ये प्रश्न पत्र आ गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है जो वीडियोस थे जो हम लोगों ने पूरी तैयारियां करी, अगर वो आपको हर एक वीडियो एक ही जगह में और विषयवार और पूरी डिटेल्स के साथ में एडिशनल मटेरियल के साथ में चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और वहां पर जो है आपको एग्ज़ाम सीरीज मिशन 2023 दिखाई देता है, जहां से जो है आप अपनी तैयारी को दोबारा जो है लाइन में ला सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आदर्श प्रश्न पत्र पहला, ये जो है आप छत्तीसगढ़ जो शिक्षा मंडल है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है, इस शिक्षा मंडल की जो हमारी वेबसाइट है वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको यही प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए भी मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। सर ये अवेलेबल है तो फिर आप क्यों बता रहे हो? तो उसका भाई ये है कि प्रश्न पत्र तो आपके सामने जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल का ही आएगा, तो उसके बाद में जो है उसको हम कैसे प्रतिक्रिया दें ये समझना इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो है देखिए, सबसे पहले यहाँ वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रादर्श प्रश्न पत्र एक, इसकी बजाय जो है आपके मुख्य प्रश्न पत्र में जो है क्या लिखाया रहेगा भाई, हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा जो होती है तो उसके बारे में यहाँ पर लिखा होगा हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा। फिर जो है विषय कोड हमारा क्या है, आप याद रखिए 201 हमारा भौतिकी का विषय कोड है, विषय कोड जो है आपको दिया हुआ है। और उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर इनमें से दोनों जो है चीज़ें दिखेंगी, सब्जेक्ट जो है आपका फिजिक्स है, कक्षा 12वीं है, समय 3 घंटे आपको मिला हुआ है और यहाँ पर जो है आपको 70 अंकों के लिए फाइट करना है। बचे 30 अंक कहाँ गए भाई? बचे हुए 30 अंक जो है आप लोगों ने प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान प्राप्त कर लिए हैं। ठीक है, प्रायोगिक परीक्षाओं की बात जो है, जिनकी प्रायोगिक परीक्षाएं हो चुकी हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई हमारी हो गई है, हमारा टेंशन ख़त्म। और जिनकी नहीं हुई हैं, जब आप भी बताएंगे कि हमको जो है प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए अलग से वीडियो बताइए, हमको जो है वाइवा कैसे देना है और आंसर्स कैसे लिखना है, डेटा कैसे याद रखना है, तो वो चीज़ें हम चर्चा कर लेंगे। आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट होना चाहिए भाई। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि पहले निर्देश को ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, किसी भी प्रश्न को आप जो है छोड़ नहीं सकते हैं और कुल 26 प्रश्न हल करने होते हैं। अब अथवा करके हर एक प्रश्न के अंदर जो है आपका ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हर एक प्रश्न के अंक आपको मिलेंगे और जब आप सारे प्रश्नों को हल करेंगे तभी जो है आपको 70 अंक में से जो है आपकी जाँच की जाएगी। अगर आप कोई प्रश्न छोड़ देते हैं, नहीं आता है, तो फिर जो है आपको उसमें से कोई अंक नहीं मिलेंगे। अब प्रश्न है कि आपको अगर कोई प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस लगता है तो क्या करेंगे सर? तो इसका उत्तर है कि आउट ऑफ सिलेबस लगने वाले प्रश्न के बारे में भी यदि आप वहाँ अटेम्प्ट करते हैं, यहाँ यदि आपने उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया है और उसके बाद में जो है आपको लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो आपको उसके अंक दिए जाते हैं। आप छोड़ के आ जाओगे तो नहीं मिलेगा। ठीक है, स्टेप मार्किंग क्या होती है, कैसे जो है जो प्रश्न नहीं आता उसके भी अंक जो है हम अर्जित कर लेंगे, सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले जो है क्या बोल रहा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और 26 प्रश्न हैं। दूसरा यह है कि प्रश्न पत्रों के कितने खंड हैं भैया? 5 खंड हैं। कौन कौन से? ए बी सी डी ई। और ये जो 5 खंड हैं उसमें जो है हर एक के लिए ए में कितने नंबर मिलेंगे? 1 नंबर मिलेंगे। बी में कितने नंबर मिलेंगे? 2 मिलेंगे।
सी में कितने नंबर मिलेंगे, 3 मिलेंगे। हाँ, डी में जो है 4 नंबर का एक प्रश्न होगा और ई में जो है 5 नंबर के 3 प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से जो है आपको 5 नंबर यहाँ, 10 नंबर यहाँ, 15 नंबर हो गए, और उसके बाद में 15 नंबर यहाँ, 15 दूनी 30 नंबर हो गए, 34 नंबर हो गए, और बाकी के जो है 70 में से जो है 34 मिल गया, तो गए तो 36, तो यहाँ पर जो है आपको लगभग 12 या 36 होता है, तो 12 प्रश्न 3 अंकों वाले मिलेंगे। ये तो हमको जो है क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पहले से पता है। इसके बाद में और क्या बोल रहा है कि जहाँ पर ज़रूरत है रेखा चित्र बनाओ, नामांकित चित्र की रचना करो, और जो है मैं तो बोल रहा हूँ कि गिवन भी लिखो, और उसमें जो है जो भी डेटा जो है आप निकाल लियो, फाइनल आंसर निकाल लियो, उसको बॉक्स भी बनाओ, सारी इन्फॉर्मेशन बताओ, जो जो आता है वहाँ पर जो है ज़्यादा लिखने के बजाय सटीक चीज़ों का उपयोग करो। चलिए खंड अ देखते हैं। खंड अ में जो है कुल मिला के कितने प्रश्न है भैया, 5 प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न पे कितना अंक है, 1 अंक है। आपने देखा, आप जो है पहली निगाह में जब जो है क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आता है, क्या सीधे उत्तर लिखना चालू करते हो, नहीं लिखना चालू करते, तो आप जो है पहली नज़र में कैसे पढ़ते हो क्वेश्चन पेपर को, मैं पढ़ के बताता हूँ। पहला प्रश्न, विद्युत धारिता, आपके दिमाग में आया सी इज इक्वल टू क्यू बाई बी, आगे मत बोलो, उसको जो है बाद में लिखेंगे फिर, और ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये जो आप दिमाग में रखिए, आप सोच के रखिए कि हाँ आपको इसका उत्तर पता है। फिर विद्युत वाहक बल का मान E है, तो यहाँ पर जो है आपको पता चल गया कि E इज इक्वल टू ई नॉट और साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा क्या होती है, कोणीय वेग होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π और ये F होता है। तो आपसे जो है क्या पूछा है, F पूछा है, तो यहाँ पर जो है 314 जो लिखा हुआ है उसको जो है 2π से बटा करना है, तो आपको F मिल जाएगा। अभी आप सिर्फ जो है प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और जो है याद कर रहे हैं। दिल्ली तरंग लंबाई किसे कहते हैं, हम लोगों ने क्या देखा था, E इज इक्वल टू h nu - h nu0, वो हाँ न्यूनतम आवृत्ति जिसके द्वारा जो है जिससे ऊपर का प्रकाश ही जो है विद्युत प्रकाश उत्पन्न करता है, उसे हम जो है दहली आवृत्ति कहते हैं। यह किससे कनेक्टेड है, यह वर्क फंक्शन से कनेक्टेड है, लेकिन अभी आपने सिर्फ प्रश्न पत्र पढ़ना शुरू किया है, तो आप जो है ये योजना बना रहे हैं कि इनमें से कौन कौन से प्रश्न मुझे आते हैं, और उसके बाद में मैं उस हिसाब से जो है, क्योंकि अभी इसमें 2 प्रश्न और बचे हैं, क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ द लेंस एट 5 सेंटीमीटर, राइट डाउन द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। क्या इसको जो है 1/v - 1/u = 1/f, क्या इससे जो है इसको हल करना जो है सही है, तो यहाँ पर देखिए राइट डाउन द नेचर एंड साइज। अब ये साइज में आपको सेंटीमीटर में भी जो है उत्तर देना पड़ सकता है, तो देखो भैया ध्यान से कि इसमें 1 नंबर मिलने वाला है, और 1 नंबर मिलने वाला है मतलब ज़्यादा डिटेल नहीं देना है, और ज़्यादा डिटेल नहीं देना है तो आप जो है देखो कि लेंस में फोकल दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, 5 सेंटीमीटर में, और अगर जो है फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाश केंद्र और फोकल दूरी इसके बीच में अगर हम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो इसका जो है आभासी प्रतिबिंब तो बनता है, हमको तो याद है, और आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो यही तो बताना है कि नेचर कैसा है, आभासी है भाई। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नेचर यानी कि उसका जो है प्रवृत्ति कैसी है, आभासी है, और साइज कैसा होगा, बड़ा होगा, तो दोनों चीज़ें जो है हमको बिना इस फॉर्मूला का उपयोग किए समझ में आ जाती हैं, और हम लोगों को उत्तर 1 अंक के लिए देना है, तो हम जो है ये यूज़ नहीं करेंगे, ये यूज़ करेंगे, और उसमें भी जो है दिमाग में आपको ये डेटा देखते ही जो है आ जाना चाहिए, तो वो चीज़ें हो गई। अब देखो सिलिकॉन के अर्धचालक में आर्सेनिक की डोपिंग की गई, तो बनने वाले अर्धचालक का नाम लिखिए। ये प्रश्न जो है जो अर्धचालक युक्तियाँ हैं उसमें हैं, और हमको जो है डोपिंग के बारे में पता है कि भाई 3 फैमिली होती है, बोरॉन की और उसके बाद में कार्बन की और नाइट्रोजन की, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। अब जो है यहाँ इसकी जो है डोपिंग की गई है कार्बन फैमिली के सिलिकॉन के साथ में, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी और एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ये उत्तर हमको पता है। लेकिन जो है अब जब आप प्रश्न पत्र को देख रहे हैं उस समय सब आप उत्तर लिखना
मतलब जैसे मुड़ भरसा कूद देना बोलते हैं ना पानी में, जो आप सिर के बल कूद गए, वैसा नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि प्रश्न पत्र को देखते हैं और उसके बाद में योजना बनाते हैं। अब हमको यहाँ पर क्या समझ में आया कि ये पांचों प्रश्न जो है खंड अ के हमसे बन रहे हैं, और ऐसी स्थिति में जब खंड अ के पांचों प्रश्न बन रहे हैं तो हम इसका अगर उत्तर लिख देते हैं तो हमको बीच में कोई प्रश्न छोड़ना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें एक साथ बनेंगी। और जो आदमी हमारा जो है उत्तर पुस्तिका को जो है उसकी जांच कर रहे हैं उनको एक बार में समझ में आ जाएगा कि इनमें सब प्रश्नों में एक ही नंबर देना है। तो ये वाला जो प्रश्न आपके सामने आया है यहाँ पर जो है आप लोगों ने फॉर्मूला का यानी कि सूत्र का उपयोग नहीं किया, लेकिन उनको पता है कि एक अंक का प्रश्न है इसलिए वो आपको पूरा अंक देंगे। ये अगर दो अंक का या तीन अंक का प्रश्न होता तो आपको ये सूत्र लिख के और उसके बाद में यहाँ पर गुणा भाग करके दिखाना पड़ता कि नेचर क्या है और साइज को सेंटीमीटर में बताते, समझ रहे हैं आप बात को। तो एक अंक के प्रश्नों का उत्तर हम लोगों ने फिर देखा और उसके बाद में पांचों एक अंक वाले प्रश्नों का उत्तर लिखने की योजना बना ली। हम अभी प्रश्न पत्र पढ़ ही रहे हैं। आगे देखिए, खंड ब है, कुल मिला के पांच प्रश्न है और इन पांच प्रश्नों में जो है प्रत्येक में दो अंक मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर भी क्या कोई प्रश्न ऐसा है जो मुझे नहीं आता, और अगर नहीं आता तो फिर जो है उसको छोड़ने के लिए मेरे मन में जो है कैसे विचार आने चाहिए। क्या मैं जगह छोड़ के आगे बढ़ूंगा और उसके बाद में अगर प्रश्न याद आया उत्तर तो जो है मैं उस जगह में लिख दूंगा ताकि निरंतरता बनी रहे, और या फिर जो है मैं उस प्रश्न को सबसे आखिरी में जो है बनाने का प्रयास करूंगा। दोनों तरीके हो सकते हैं। अब देखिए पहला प्रश्न देखिए, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति एवं निरक्षीय स्थिति में से कोई दो अंतर लिखें। ये भैया विद्युत द्विध्रुव है, ये अक्षीय स्थिति है, ये निरक्षीय स्थिति है। यहाँ पर जो है जब हम लोग जो है विद्युत विभव की बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो E का मान होता है 2P² / R³, ठीक है। जबकि यहाँ इस स्थिति में जो है निरक्षीय स्थिति में ये होता है E² = P² / R³। तो हमको ये पता है कि ये जो है यहाँ पर जो है हमको ज़्यादा विद्युत विभव विद्युत क्षेत्र प्राप्त होता है और इस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। दूसरी बात यह है कि अक्षीय स्थिति में जो है हमारे पास में जो है इधर और उधर दोनों जाने का जो है ऑप्शन है, और हमको जो है हमारा जो आवेश है वो ऋण चिन्ह की ओर जो है ज़्यादा पास है या धन चिन्ह की ओर ज़्यादा पास है, इसके अनुसार जो है विद्युत क्षेत्र की जो है दिशा का जो है फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो है हमको पता है कि ये जो P है ये क्या है, P मतलब जो है होता है द्विध्रुव आघूर्ण, और इसकी दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर, और इसकी विपरीत दिशा में ही हमको हमेशा विद्युत क्षेत्र दिखाई देता है, ये बात है। तो हम लोग इस विशेष में हम ये उत्तर दे सकते हैं, लेकिन अभी तो हम लोगों ने सिर्फ प्रश्न पत्र पढ़ना शुरू किया है इसलिए हम थोड़ा धीरज रखेंगे। फिर देखिए विद्युत द्विध्रुव की, ये तो हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न है चालक का प्रतिरोध। आप याद कीजिए हम लोगों ने क्या देखा था, बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, शी लाइक्स गोल्ड एंड सिल्वर। अब इसमें जो है हमको कोड बनाना आता है। अगर आपको जो है इस बीबी रॉय वाले जो है सूत्रों का उपयोग करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस वीडियो में जाएंगे तो आपको कलर कोड बनाना आ जाएगा। मैंने पढ़ाया है और अभी ही पढ़ाया है, तो आप जो है ज़रूर इस वीडियो को देखिए। अब ये बन जाएगा, आप आगे बढ़े। फिर अगला प्रश्न है आयाम मॉड्यूलेशन क्या है। आयाम मॉड्यूलेशन में होता क्या है, हमारा जो मुख्य सिग्नल है उसको जो है दूसरे सिग्नल में कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता लेकिन आयाम में परिवर्तन आता है, ठीक है। और इस तरीके से हमको यहाँ पर भी जो है सिग्नल इसी प्रकार का मिल जाता है, ये आयाम मॉड्यूलेशन होता है। अब ये आपको उत्तर आता है, आप दो अंक देने हैं तो आप चित्र बनाएंगे और होता क्या है ये बनाएंगे और जो है आपको दोनों अंक मिल जाएंगे। आगे देखिए, संयोजी तार तांबे के बनाए जाते हैं क्यों। पहला तांबा सस्ता है, सोने का तार भी बन सकता है, सोना जो है तांबे से अच्छा तालक है लेकिन सोना बहुत महंगा है। तो एक तो तांबा आसानी से उपलब्ध और सस्ता होता है और दूसरा उसकी जो है विशिष्ट चालकता अधिक और इसकी प्रतिरोधकता जो है कम होती है, दो अंक मिल जाएंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उत्तर लिखने की बजाय क्या कर रहे हैं, हम योजना बना रहे हैं। फिर एक और प्रश्न है, एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक, तो यहाँ पर जो है वर्गमूल 3 है, उस पर अध्रुवित प्रकाश कितने आपतन कोण पर आपतित की जाए जिससे कि वह ध्रुवित हो जाए। पढ़े हैं क्या सर, तो ब्रूस्टर का नियम जो है हम लोगों ने पढ़ा है,
ब्रूस्टर के नियम के अनुसार क्या होता है कि एक अध्रुवित प्रकाश को जो है जब हम किसी भी अपवर्ती माध्यम में डालते हैं तो एक विशेष कोण होता है म्यू बराबर टेन आई पी, और इस कोण पर जो है यदि हम प्रकाश का जो है आपतन करते हैं तो आधा प्रकाश जो है यहाँ पर किस प्रकार से आधा प्रकाश ध्रुवित प्रकाश के रूप में जो है परावर्तित हो जाता है और कुछ प्रकाश जो है वह ध्रुवित प्रकाश के रूप में अपवर्तित हो जाता है। तो ये ब्रूस्टर का नियम है और हम लोगों को पता है कि भाई ब्रूस्टर का नियम आता है, जिसको नहीं आता जो है वो क्या करेंगे, हम ब्रूस्टर के नियम पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये तो चलिए ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम लोगों ने सारे प्रश्न देखे, इसी तरीके से जब हम तीन अंक वाले प्रश्न देखेंगे तो वो किस चैप्टर से है इसका जो है ध्यान रखेंगे, फिर उस प्रश्न से जो है हमको कितनी जानकारियाँ उपलब्ध है ये सोचेंगे, उनका क्रम जो है सही ढंग से व्यवस्थित रखने की कोशिश करेंगे और फिर हम योजना बनाएंगे कि किस तरफ से जो है हम प्रश्नों का उत्तर देना चालू करें। पहले जो है आप प्रश्नों को देखते चलिए, हड़बड़ी मत कीजिए, सीधे उत्तर लिखना प्रारंभ ना करें। और जो है जब आप उत्तर लिख रहे होते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने उत्तर पुस्तिका में देखा था कि जो आदमी व्यक्ति आपका जो है उत्तर पुस्तिका चेक कर रहे हैं उनको एक से लेकर जो है 26वें प्रश्न तक के लिए डब्बे बनाकर दिए हुए हैं, उन हर डब्बे में उनको जो है अंक लिखते जाना है। यदि आपके प्रत्येक खंड के सारे उत्तर एक साथ दिखाई देंगे तो उनको जो है इन डब्बों में आपके अंक डालने में आसानी होगी, और इसलिए जो है अब आप जो है जितना अपने चेक जांचकर्ता के साथ में जितना अच्छा व्यवहार करेंगे आपको उतने अच्छे अंक मिलेंगे। तो और भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बाद में और भी खंड आ रहे हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। हम इस बात को भी देखेंगे कि उत्तरों को लिखने का जो है हमारा टेक्निक क्या होना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो आप जो है अब क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचे हैं, आप परीक्षा की तैयारी ऑलरेडी बहुत सारे परीक्षाएं दे चुके हैं और उसके बाद में अगर आपको चिंता हो रही है कि फिजिक्स के लिए क्या किया जाए तो सबसे पहले अपना तनाव कम करें, आसानी से शांति से बैठें, रिलैक्स करें। आपने जितना पढ़ना था आपने पढ़ाई उतनी पढ़ाई कर ली है और अब जो है जो अंतर आ सकता है वह आपकी उत्तर लिखने की शैली से ही आएगा। तो चिंता करना छोड़ के मेरे साथ जुड़ें, मुझसे सवाल करें, मेरे जो है बताए हुए जो है जो निर्देश हैं उनका पालन करें और अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका लिखें। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद।